हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। एक्चुअली ये जो वीडियो था वो बनाना था, लेकिन लेवल बहुत दूर था। ये हमें मंथली मार्केट अपडेट में बनाना था सितंबर के एंड में, बट ठीक है, कोई देरी नहीं हुई है। सॉरी, नवंबर अक्टूबर की स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा लेवल ध्यान में रखने जैसा है और क्या सीखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेवल डिस्कस करते हैं दैट विल ओनली फॉर एजुकेशनल, ओके, एजुकेशनल पर्पज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी का पहले RSI, बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करते हैं ऑन प्राइस एक्शन। व्हाई? बिकॉज प्राइस इज द गॉड। तो यहाँ पे फ्यूचर का जहाँ पे हमने एक चैनल ड्रॉ की है, तो ये तो बहुत ही बड़ी चैनल है, उसके अंदर आपको दिखेगी और एक स्मॉल चैनल, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यू कैन ड्रॉ वन मोर लाइन इनसाइड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ब्रेक ये रेड कैंडल ने की है जो अगस्त में हुई, फिर एक क्लोज अगस्त से ऊपर आया, लेकिन कुछ खास रिकवरी नहीं है, ऊपर तक गया था लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर आया है। यहाँ पे एक चीज है कि ये छोटी सी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और उसके बाद रीटेस्ट, तो ठीक है, हर बार रीटेस्ट करने नहीं जाएगा ऊपर लाइन को, ठीक है। पर यहाँ पे क्लोज जो है वो सितंबर का वो है अगस्त से ऊपर, यानी कि कोई भी चीज उछलती है नीचे जाने के लिए, तो ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगस्त का जो क्लोज है वो सितंबर के क्लोज से ऊपर है। अभी आपको दिख रहा है कि नवंबर की बात करें तो नवंबर में कोई ऊपर की ओर नहीं जा रहा है और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, फिर रिएक्शन भी आ गया, तो ब्रेकआउट जो है वो फेक है कि रियल है, उसके लिए ऑलवेज ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक क्लोज ऊपर आना चाहिए। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डाउनवर्ड ट्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे देखना है कि एक्शन, इसे हम एक्शन कंसिडर करेंगे एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे वी शुड फोकस ऑन द लो ऑफ बोथ कैंडल, और दोनों में से कौन सा लो लोअर है, तो अगस्त का लो है 43785 और ये है 44061। तो यहाँ पे 43785 ब्रेक होता है तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को छूने जाए, और वो ब्रेक होता है तो उसके बाद ये बॉटम। बट यहाँ भी एक चीज़ ऑलवेज ध्यान में रखिए, अगर ये लो ब्रेक होता है अगस्त का ये अक्टूबर में, तो स्टॉप लॉस जो रहेगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों, डेफिनेटली मंथली चार्ट है तो स्टॉप लॉस तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो 46375.90 नहीं ब्रेक होगा तब तक मुश्किल है, फिर एवरी मंथ हम स्टॉप लॉस हाई से चेंज करते जाएंगे, यानी जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा तो स्टॉप लॉस ये हाई से चेंज होकर ये हाई हो जाएगा। एक बात ऑलवेज याद रखनी है कि टारगेट तय करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए टारगेट तय करने से अच्छा है कि स्टॉप लॉस हाई से हम चेंज करते जाएं, तो बहुत ही एडवांस में आपको प्राइस एक्शन से पता चल जाता है। अभी डेफिनेटली कहीं बहुत डिबेट होती है कि प्राइस पे ही फोकस करो, इंडिकेटर पे मत करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर किसी चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे RSI जो है उसका चलिए साथ में देखते हैं जो लर्निंग पॉइंट है। कई लोग RSI डाइवर्जेंस देखते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए डाइवर्जेंस ऐसी चीज़ है जो आपका ट्रेडिंग करियर खत्म कर सकती है। डाइवर्जेंस को कंबाइन करने से पहले आपको प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ऊपर बहुत ही ऐसा थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि RSI 70 के ऊपर कब गई थी, तो ये पॉइंट चलिए देखते हैं, तब प्राइस यहाँ पे था। उसके बाद आपको दिखेगा कि RSI कभी भी 70 के ऊपर नहीं गई है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो टॉप है वो ये टॉप से लोअर है, राइट। और यहाँ की बात करें तो ये टॉप से ये टॉप ऊपर है। निफ्टी ने बहुत ही ट्राई की दोस्तों, अभी ये डाइवर्जेंस तो चल ही रहा है, लेकिन वो बहुत दिनों से चल रहा है, इवन कोरोना के टाइम पे भी आपको दिखेगा कि ये टॉप से ये टॉप नीचे था, पर यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन रिएक्शन नहीं आया। पर यहाँ पे हमें एक क्लू मिल रहा है कि प्राइस ने रिएक्शन दिया है टूटने से पहले, तो ये बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं, ठीक है। तो देखना है दोनों में से कौन सा लो लोअर है, तो एक्शन का लो लोअर है एंड दैट लेवल इज 43785.05, ओके। तो ऐसे ध्यान में रखना है। कई लोग तो यूं ही कहते हैं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में कुछ भी शेयर इन्वेस्ट कर दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि विप्रो में जिन्होंने 730 में इन्वेस्ट किया है उनका प्राइस आने में 2-2.5 साल तो हो चुके हैं, पता नहीं कितने साल होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट बहुत ही जरूरी है, ओके।
तो RSI में फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि कोरोना का जो फॉल आया उसके बाद एक भी बार मंथली चार्ट पे 70 के ऊपर नहीं गई है, और डाइवर्जेंस है जो चल ही रहा है शायद 1 जनवरी 18 से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आप चाहो तो RSI में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो RSI में आपको दिखेगा कि अभी ये वाली ट्रेंड लाइन तो नहीं टूटी है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाली ट्रेंड लाइन। ओके, और डिटेल में चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या है। डिटेल में चलेंगे तो आपको ये लो टूटने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो जानना है, तो बहुत ही ज्यादा है ऐसा फिलहाल लग रहा है। क्यों? तो ये कैंडल पे RSI की वैल्यू कितनी है दोस्तों, मैं डेटा विंडो ओपन करता हूँ, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सीखने को मिल रहा है। राइट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि वैल्यू ऑफ RSI वॉज 62.23, ये वाली जो विंडो है वहाँ पे देखते रहिएगा ये वाली जो, राइट, सो वैल्यू ऑफ RSI वॉज 62.23 इन द अगस्त, 1 अगस्त 23। उसके बाद आप देख सकते हो कि RSI ने भी एक रिएक्शन दिया है, तो उसका RSI का जो स्ट्रेंथ है थोड़ा बड़ा 63.83, लेकिन आपको दिखेगा कि ये इफ वी फोकस ऑन द अक्टूबर ऑन द वैल्यू ऑफ RSI, आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी कि जो अगस्त में RSI की वैल्यू थी इट वॉज 62.23, बट ये जो बॉटम है वो ये अक्टूबर में ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है, यानी RSI में बॉटम टूट चुकी है ये वाली। राइट, देखते हैं और डिटेल में, थोड़ा जूम करते हैं, ये बॉटम अभी नहीं टूटी है, लेकिन RSI में ये बॉटम टूट चुकी है, उसका मतलब है कि ये बॉटम ब्रेक होने की गुंजाइश बहुत 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 ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। तो आज हमने बहुत सारे पॉइंट सीखे हैं दोस्तों, सो ऐसे ट्रेंड लाइन से भी आप कंबाइन कर सकते हो, प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है, एक्शन रिएक्शन जो देखा दैट इज द पार्ट ऑफ दैट। रही बात कैंडल स्टिक सी, तो कैंडल स्टिक से ही पता चलता है कि सितंबर में हाई के पास क्लोज नहीं दिया, और यहाँ पे सेलर जो है वो सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने जैसी है। ओके, चलिए निफ्टी देख लेते हैं, पर ज़्यादातर मैं अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी से। ओके, तो निफ्टी में अभी देखें तो निफ्टी में भी डाइवर्जेंस तो हो रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे RSI 70 के ऊपर गई थी और यहाँ पे RSI उसके बाद ऊपर गई नहीं है, पर हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा क्ल्यू मिल रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे ले जाए या निफ्टी बैंक निफ्टी को, देखते हैं, लेकिन उसको कोरिलेट करने की कोई ज़रूरत हमको दिख नहीं रही है दोस्तों, ठीक है। आप सिर्फ फोकस करें बैंक निफ्टी पे, क्योंकि ये वीडियो ही हमने डेडिकेटेड बनाया है बैंक निफ्टी पे, जिससे आपको पता चले दोस्तों कि कोई भी फॉल आने वाला होता है तो एडवांस में पता चल जाता है, कुछ भी आ सकता है, RBI की मीटिंग हो या वॉट एवर, तो यहाँ पे आपको चार्ट जो होता है वो आपको कोई भी चीज़ पहले बता देता है। तो यहाँ पे एक पॉट है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट जो है वो एडवांस में आपको सब इन्फॉर्मेशन सर्व करता है, बट हमें उसको फॉलो करना है। कई लोग क्या करते हैं, ये सपोर्ट टूटने पे एक्चुअली ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, तो कई लोग ये सपोर्ट से बाई करते हैं फिर ये सपोर्ट से बाई करते हैं, तो ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पे और एक पॉट है दोस्तों कि देयर विल बी नो सपोर्ट इन द बेयर मार्केट एंड देयर विल बी नो रेजिस्टेंस इन द बुल मार्केट, तो एक बार यहाँ पे अगर फॉल आ गया तो फिर सपोर्ट कहाँ पे लेगा वो कहना मुश्किल है। राइट, तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।